हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजेसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल स्कोर कैसे हम बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, मुझे सिविल से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने सिविल के लिए एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करता हूँ कि मेरा सिविल बढ़े। और एक बात और बता दूँ कि लोन एक बहुत ही गंदी चीज़ है, जिसके जाल में अगर आप फंस गए तो आप बाहर नहीं निकलोगे, ज़िंदगी आपकी तबाह हो जाएगी, उससे कोई भी काम नहीं कर पाओगे। लोन ओन आपके लिए नहीं है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए लोन ये है। बाकी हम लोग जो लोन लेते हैं वो हम लोग की ज़िंदगी का, समझिए ज़िंदगी को भ्रष्ट झंडा बनाने वाला ये लोन होता है। इसलिए आप लोग यही कसम खाइए कि लोन की ज़रूरत आपको फ्यूचर में ना पड़े, पैसे इतने कमाइए। चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ दिनों से मैं परेशान था, 3-4 दिन से लगभग। फिर मैंने कल रात में 1:30 बजे रात तक सोचा कि भाई ये मेरा सिविल 7 पॉइंट बढ़ा कैसे। मेरा ऑलरेडी चार जो लगभग ब्रांच है, कैश नहीं क्रेडिट भी है और धनी है और एक और कौन सा है किस्त है, ये चार एप्लीकेशन से मेरा ऑलरेडी लोन चल रहा है, मैंने दिया ही नहीं। ये सब लगातार 752 से सिविल गिराते गिराते 605 पे लाए थे। आखिर में मेरा सिविल बढ़ कैसे गया 7 पॉइंट। फिर मैं सिविल में अपना देखा तो सिविल में मैंने जैसा कि देखा, आपको दिखा दूँ कि सिविल में देखने के बाद, यहाँ पे चलिए रिपोर्ट में आपको पूरी डेटा समझाता हूँ कैसे आप बढ़ाओगे। सिविल में गया, फिर देखिए यहाँ पे 4 अकाउंट शो कर रहा था, अब क्या किया 5 अकाउंट शो करने लगा। 5 अकाउंट शो किया, उसमें देखिए क्या हुआ कि IDFC फर्स्ट बैंक लोन 7 पॉइंट बढ़ा, प्लस यहाँ पे एक जिससे मैंने कभी लोन ही नहीं लिया, IDFC फर्स्ट बैंक अकाउंट नंबर इतना डाट अकाउंट स्टेटस ऐसे कुछ दिख रहा है। तो मैं सोचा कुछ इरर है क्या, व्यू डिटेल्स इसका देखते हैं क्या आता है। अकाउंट नंबर इतना है, डेट 5/3/2022 को खुला, अकाउंट होल्डर 00, अमाउंट रिमेनिंग 00 है, पैड अमाउंट 1500, यानी 1500 हमने लिया और 1500 इसको पैड भी कर दिया। आखिर कैसे, ये देखिए भाई साहब अभी 2500 एक्टिव हैं, इनका डिटेल थोड़ा सा देख लें तो है ही है डिटेल। यहाँ पे 25006 है सिविल में धनिया भाई साहब का, और हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें 25008 दिखाता है। क्या है भाई, कुछ समझ में नहीं आता। चलिए इनको छोड़िए और इस बैंक के बारे में समझते हैं कहाँ गया। IDFC फर्स्ट बैंक, देखिए इसका लिंक कहाँ से है, तो ये लिंक है, आज हमें सुबह में याद आया, वो मैंने तो फ्लिपकार्ट पे लेटर लिया था 1500 का, मुझे मिला था फ्लिपकार्ट पे लेटर पे 1500 का मिला हुआ फ्लिपकार्ट पे लेटर, जिसमें से मैंने 282 रुपये का इसमें क्या किया था, एक बॉम खरीदा था, टाइगर बाल्म पता नहीं क्या है, रेड वाइट और कुछ भी हो, ये 282 रुपये खरीदा था। और जैसा कि मेरे पास मैसेज आया, 2 तारीख को मैसेज आया कि आपको 5 तारीख को ड्यू देना है 282 रुपये का फ्लिपकार्ट पे लेटर, मैंने क्या किया 2 ही तारीख को इसका पे कर दिया 282 रुपये। तो इसी के कारण, यानी हमारा 5 तारीख को जो फ्लिपकार्ट पे लेटर पे करना था वो चीज़ हमने 2 तारीख को पे कर दिया, मात्र 3 दिन पहले पे किया, वो भी ज़्यादा नहीं 282 रुपया। कितना, 282 रुपया मैंने पहले ही पे कर दिया। यही जो फ्लिपकार्ट पे लेटर है वही इसमें इंडिया IDFC फर्स्ट बैंक है, यानी जो फ्लिपकार्ट पे लेटर मिल रहा है वो IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से मिल रहा है। देखिए इसका मैं यही कहूँगा कि IDFC फर्स्ट बैंक का जो फ्लिपकार्ट पे लेटर है उसे आप टाइम पे कीजिएगा। पूछिए क्यों पे करना है, तो देखिए यार ना आपका लेट पेमेंट दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, लेकिन 30 दिन तो आपको फ्री में दे रहा है ना, कम से कम आपको दे रहा है ना 30 दिन के लिए। ज़रूरत हो तभी सामान खरीदिएगा, नहीं तो मत खरीदिएगा। ये जो बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, जितना कि मैंने देखा फर्जी लोन एप्लीकेशन जितना है सब, या तो आप क्या कर सकते हैं इसके भी बारे में बताऊंगा, या तो आप क्या कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं SBM बैंक से। कुछ लोग कहते हैं कि FD के विरुद्ध जो हम कार्ड लेते हैं क्रेडिट कार्ड, और सिविल बढ़ाता नहीं। अरे भैया, जब ए क्रेडिट कार्ड सिविल में शो करेगा तो आपका सिविल स्कोर बढ़ाएगा, सिविल स्कोर में शो करेगा आपका लोन तो बढ़ाएगा। ए FD के विरुद्ध लिया जाता है, यानी 2000 से शुरू है, ले सकते हैं आप भी। रिपोर्ट करेगा सिविल को कि भाई इसने मेरा क्रेडिट कार्ड लिया था और टाइम टू टाइम पे कर रहा है। 100% FD पे आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा, मैं इतनी गारंटी देता हूँ, 100% आपका सिविल बढ़ेगा। FD से जो हम क्रेडिट कार्ड लेके यूज करके टाइम से 2 दिन पहले ही पे कर दीजिए, आपका सिविल इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने इस बैंक का दिखाया, तो IDFC फर्स्ट बैंक
फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो भी ड्यू है आप टाइम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले अगर आप पे कर देते हैं तो आपका सिविल 100% बढ़ेगा। मात्र 282 रुपये में मेरा सिविल बढ़ा है, कितना, 7 पॉइंट। सोच लीजिए, यहाँ पे मैंने क्रेडिट बी का 6000 फर्स्ट टाइम लिया, उसको पे कर दिया टाइम से, फिर 27000 का लिया, 1 पॉइंट नहीं बढ़ा। कैश बीन एप्लीकेशन का 4000 लिया था, 4400 रुपये पे किया था, 1 पॉइंट आज तक नहीं बढ़ा, ना ही सिविल में शो किया। 3 फर्जी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन का ड्यू देने से कोई भी सिविल बढ़ेगा नहीं, घटेगा तो घटेगा। ऑनलाइन लोन वाले जितने हैं आपका सिविल घटाएंगे बढ़ाएंगे कभी नहीं, ये समझ लीजिए मेरी बात। लेकिन जो ये पे लेटर है ना, फ्लिपकार्ट को तो मैंने देख लिया, फ्लिपकार्ट के बारे में बता रहा हूँ, बाकी सब अमेजोन पे लेटर उसका तो नो आइडिया, वो बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, पेटीएम का भी हमें नहीं पता है। लेकिन ये जो फ्लिपकार्ट पे लेटर है 100% बढ़ा रहा है, क्योंकि ये जो बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक है, इसने मेरा सिविल 7 पॉइंट बढ़ाया है। और आप भी क्या कर सकते हैं, ऐसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे लेटर लीजिए, 200-400 जितना महीने में आपको कोई सामान मंगवाना हो तो आप कैश पेमेंट ना करके उस पे लेटर को यूज कीजिए, और उसके समय से 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले ही पे कर दीजिए। अब 200 में 7 पॉइंट कम थोड़ी ना होता है भाई साहब, लोग गिराते थे, 6000 रुपये का लोन भरा तब वो 1 को 54 का यहाँ पे सिविल नहीं बढ़ा, भले से घट गया, लेकिन ये फ्लिपकार्ट पे लेटर आपका सिविल बढ़ा रहा है। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर आपको पे करना है, जो कोशिश हो कि मैं पे कर दूँ, ये समझिएगा, इसका आप लोग मत डुबाइएगा, ये बहुत सही चीज़ है। फाइन वाइन नहीं मार रहा है, फाइन तो भर सकते, देखिए 30 दिन तो फ्री दे रहा है ना, कोई सर्विस टैक्स नहीं लग रहा है, कोई सर्विस चार्ज नहीं लग रहा है आपको 30 दिन के लिए, तो जितना लिमिट दे रहा है तो यूज कर रहा है, इसलिए सही चीज़ है, इसके बारे में मैं गलत नहीं कहूँगा, और ये सही चीज़ है। आप इसका पे लेटर भरेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर जो लोग सिविल बढ़ाना चाहते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर का पे कीजिए, बढ़ेगा। या तो FD, बैंक से FD बनवाएंगे तो टाइम लग सकता है, 2 या 3 महीने लग जाएगा, उसमें कोई नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपको वैसे बढ़ाना है, जल्दी क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो इस paisabazaar.com पे जाइए और वहाँ पे SBM बैंक का 2000 का FD कर लीजिए, आपका 10 पॉइंट 20 पॉइंट हर महीने बढ़ जाएगा। लीजिए, फिर टाइम से पे कर दीजिए, क्या करना है। मान लीजिए कोई सामान खरीदना है, मुझे साबुन ही खरीदना है, ऑनलाइन ऑर्डर करना है, तो मैं उस क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर कर दूंगा, और उसके बाद 1 महीने बाद जो पे करना है वो मैं पे अभी कर देता हूँ, 2 ही 3 दिन में कर दूंगा, तो आपका सिविल बहुत तेज इंक्रीज करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि गोल्ड लोन से सिविल नहीं बढ़ता है, 100% बनेगा। ये लोग भैया लोग बिगाड़ना चाहते हैं, तो कुछ लोग हैं जो सही हैं, बनाना भी जानते हैं। तो ये चीज़ मेरा IDFC फर्स्ट बैंक ने बनाया, जो फ्लिपकार्ट पे लेटर है, ठीक है। तो यहाँ से आप बना सकते हैं अपना सिविल। और एक बार फिर कहता हूँ, ऑनलाइन लोन के चक्कर में मत पड़िएगा, कोई भी लोन हो उसके चक्कर में मत पड़िएगा, इस सिविल के बारे में मत सोचिए, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए। धन्यवाद।